हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आंसर एवरीथिंग। जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया है कि आज की वीडियो में हम स्मार्टफोन के ऐसे फीचर के बारे में बात करने जा रहे हैं कि अगर आपका फ़ोन का लॉक खुला है तब भी आपके फ़ोन को बिना आपकी मर्ज़ी के कोई नहीं चला पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे स्मार्टफोन में ऐसे कई फ़ीचर होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है। जिस फीचर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम पिन द स्क्रीन या स्क्रीन पिंग कह सकते हैं। दोस्तों, इस फीचर की सबसे खास बात यह है कि आपका फ़ोन लॉक नहीं रहेगा फिर भी इसे कोई नहीं चला पाएगा। इस फीचर से आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं चलिए हम आपको बताते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिंड स्क्रीन का ऑप्शन जो है 5.0 के जितने भी फ़ोन हैं सब सारे स्मार्टफोन में उपलब्ध हैं। एंड्रॉयड 5.0 के जितने पहले के जितने वर्जन हैं उन स्मार्टफोन में यह ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अपने स्मार्टफोन की आप सेटिंग में जाएँ। आप सेटिंग में जाएँ, यहाँ से हम क्लिक करके स्मार्टफोन के अपने सेटिंग में जाते हैं। इसके बाद हम सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाते हैं। सिक्योरिटी के ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन पिनिंग। आप यहां से अपना स्क्रीन पिनिंग और लॉक द डिवाइस व्हेन स्क्रीन पिन इज कैंसल दोनों को ऑन कर लीजिए। दोनों को ऑन करने के बाद आप सिंपली यहां पे आ जाएं। यहां पे आने के बाद रिसेंट में जितने भी ऐप हैं उसको बंद कर दें। मान लीजिए आपको व्हाट्सएप ओपन करना है तो आप यहां से व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद यहां रिसेंट वाले ऑप्शन में आके यहां पे आपको टू डॉट दिख रहा होगा, उस टू डॉट पर क्लिक करें। टू डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पिन का ऑप्शन दिया होगा, पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लें। अब देखें, आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें। अब आप यहाँ से देख सकते हैं आपका क्या हुआ, ये स्क्रीन लॉक हो चुका है। स्क्रीन लॉक हो गया है, इसका मतलब ये है कि आप इस व्हाट्सएप के अलावा आप कुछ भी नहीं चला सकते। चाहे आप बैक बटन दबाएं, चाहे होम दबाएं, चाहे जो भी बटन दबाएं, आप बैक नहीं जा पाएंगे। अगर आपको बैक जाना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैक होल्ड और मेन्यू वाला बटन दोनों साथ में दबाना होगा। चलिए आपको बताते हैं हम कैसे करते हैं। यहाँ पर जो बीच वाला बटन होता है, जो तीन बटन होते हैं स्मार्टफोन में, तो जो किनारे किनारे वाले बटन दोनों होते हैं दोनों को एक साथ दबाना है। दोनों को आप देखिए यहाँ पे एक साथ दबाएं। ये देखिए यहाँ पे अब आपका खुल चुका है। देखिए आपका, आप यहाँ पे पासवर्ड डाल के फिर से खोल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस ट्रिक को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।